हाय फ्रेंड्स, पूजा सुबोध के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? आई एम श्योर आप सब ठीक होंगे। अभी मतलब बच्चे ठीक है, 4-5 दिन से बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, दोनों बच्चों का तबीयत ख़राब हो गया था। अभी मेरा भी आवाज़ मतलब क्या बोले, गला फंस गया है, अच्छे से नहीं आ रहा है। तो मतलब अभी दोनों ठीक है, कल ही डॉक्टर को दिखा के लाए। मेरे बच्चे के साथ ना मतलब आपको क्या बताऊँ, घर पे अगर दवा रखूँ दे दूँ तो बिल्कुल उन लोगों को मतलब सेटे नहीं करेगा। उनको डॉक्टर के पास जाना है, मतलब जाना ही है। अब वही डॉक्टर के पास ले गए, वही सेम दवा दिया है, लेकिन वही दवा उनको दी है तो दोनों अभी ठीक है। चलिए भगवान भरोसे अब ठीक है तो सब ठीक है। तो मतलब अभी जस्ट हम लोग सो के उठे हैं, और आज गड़बड़ ये भी हुआ कि मतलब चाय बनाई, ये चाय पिए ऑफिस चले गए, मैं नीचे साइड पानी आया था, पानी लेने चले गए, पानी लेकर आई तो अभी मतलब फिर से चाय के लिए गैस पे रखी, गैस ख़त्म। अब देखते हैं सिलेंडर कौन चेंज करेगा। मुझे तो बिल्कुल भी सिलेंडर चेंज करने नहीं आता, मतलब बहुत डरती हूँ सिलेंडर चेंज करने से। अरे दोनों अभी खेल रहे, अब देखते हैं क्या करूँ, कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, नहीं तो कैसे खाना बनाऊँगी। और वो तो ऑफिस गए तो अभी आ भी नहीं सकते, वो तो शाम को आएंगे, तो कुछ जुगाड़ करती हूँ क्या होता है। मतलब 5-6 दिन से तो ऐसा लग रहा था कि मेरे घर में कोई है ही नहीं, बिल्कुल शांति। मतलब इन दोनों को कुछ हो जाए तो पूरा घर सुना सुना लगता है। और अभी देख रहे सो के उठ के मेरा बाबू खेल रहे, मतलब इनका भी चेहरा देख रहे पूरा, मतलब क्या बताए, आप खुद ही देख सकते हैं इनका चेहरा भी उदास हो गया है। और फीवर के वजह से तो इन बहुत कमज़ोर हो गए हैं। अभी ठीक लग रहा है तो अभी सो के उठे, अभी भी देख रहे खांसी है, खांसी अभी पूरा तो ख़त्म नहीं हुआ है। तो कितना दिन नहीं खेले तो वो कहा मम्मा आज खेलो, ठीक है खेलो, तब तक मैं अपना काम कर लूँ। परी तो अभी बाथरूम गई, अभी वो उठी ब्रश करने गई, अरे अपना खेल रहे हैं। तो चलिए इनको खेलने देते, अभी मैं गैस का तो कुछ करूं। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड, मेरी बेटी कैसे खेल रही है, ये ऐसे ही खेलती है। और देखिए आप लोग से शर्मा आ रही है, फेस छुपा रही है। इधर देखो ना परी, आपको बहुत सारे लोग देखेंगे। इधर देखिए, अरे कौन सा खेल खेल रहे हो आप, मतलब इन लोगों को अच्छा है, कुछ ना कुछ आइडिया आता रहता है, बस करते रहते हैं, अपने में मस्त रहते हैं दोनों। अभी ऐसे ही खेल रही है, चलिए ठीक है खेलिए खेलिए खेलिए, बहुत प्यार से खेलती है। इधर हॉल में ये खेलती है, बेडरूम में वो खेलते हैं, पर साथ में दोनों नहीं, अलग अलग खेलते हैं। और जब बोलेंगे अलग अलग खेलिए तब दोनों साथ में खेलेंगे, और इनका अपना मन करे वही करते, कोई बात नहीं खेलिए आपको। ये दोनों भी खेल के थक गए, देख रहे हैं दोनों आते मेरे पास ऐसे ही सो रहे। अब जा रही हूँ बच्चों के लिए बाहर से ही कुछ खाना लाने, क्या करूँ मतलब गैस का बहुत कुछ की जुगाड़ तो हुआ नहीं। अब साहब को इनके पापा ही आएंगे तो लगाएंगे, अभी मैं इनके लिए बाहर से ही कुछ ला देती। अभी क्या बताऊँ आपको, मतलब सब कुछ उल्टा सीधा चल रहा है, मतलब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। अभी मेरे भाई का आने का भी टिकट बना था, वो भी कन्फर्म नहीं हुआ, वेटिंग में चला गया। अभी फिर से कट आए हैं तो देख रहे हैं मतलब आ रहा है कि नहीं। ये लोग भी बहुत खुश थे कि मामा आ रहे हैं, मामा आ रहे, पर जब सुने कि मामा नहीं आ रहे तो दोनों उदास हो गए। लेकिन फिर अब खुश है कि फिर से इनके पापा ने टिकट कटा दिए हैं, तो मतलब आने का फिर से चांस है। अब देखते हैं, अब आ जाए तो पूरा है कि हाँ आ गया। ओके परी, तो विश्वास हो जाएगा। लेकिन अभी देखिए, अभी जब तक नहीं आएंगे तब तक मतलब बोल भी नहीं सकते। इसे भी कितने साल बाद मतलब राखी के टाइम मेरा भाई आने के लिए मतलब रेडी हुआ है, पर आ जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए आप देखिए, आने के बाद ही पता चलता है। चलिए आप दोनों के लिए क्या लाऊं? मामा लोल की मेरा ये क्या लाऊं परी? चलती हूँ लाती हूँ इनके लिए कुछ। मतलब दोनों बच्चे अभी ठीक है, मेरा तो मेरा भी मन ठीक है। एक्चुअली बच्चों के साथ कुछ हो जाता है ना तो मुझे
कोई भी काम में मन नहीं लगता है। आपको मतलब कैसे बताऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अब भी दोनों बिल्कुल ठीक है तब जाके मुझे खुद को चैन आया, और ऐसे भी कुछ करने में भी अच्छा लग रहा है। सारे काम मतलब पड़ा था 4-5 दिन से, कुछ नहीं कर रही थी, मतलब कुछ करने में ही नहीं मन लग रहा था। लेकिन आज जाके थोड़ा थोड़ा की हूँ, पर अभी बहुत सारे काम है, वो बाद में करूँगी। एक बार तो मैं भी नहीं कर सकती, आप लोग देख रहे हैं मेरे भी गला फंस गया है, तो ज़्यादा की तो ऐसे लग रहा है कि मेरा भी तबीयत ख़राब ना हो जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही करके करूँगी। तो अभी मतलब कपड़े बेड पे पड़ा है, अब देख रहे हैं, अभी इसे फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं। अभी उसके बाद उन लोगों को थोड़ा खाना वाना खिला कर सुला दूँगी, तो भी थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, नहीं तो जितना खेलेंगे तो उतना थक जाते हैं, तो डर लगता है कहीं फिर से वापस उनको मतलब बुखार ना आ जाए। तभी उन लोगों को जब तक सुलाऊंगी नहीं तब तक मतलब कुछ भी नहीं करूंगी, वो सो जाए उसके बाद ही कुछ करती हूँ। मतलब अभी क्या बताऊँ, इतना फीवर था मेरे बाबू को, फिर भी स्कूल जाने के लिए रो रहे थे कि नहीं स्कूल जाना है स्कूल जाना है। मतलब बहुत समझाने के बाद वो माने, और फाइनली जाकर वो मान गए, तो अच्छी बात है। फिर आपसे मिलती हूँ आगे उन लोगों को सुलाने के बाद। शरबत बनाए आप? ठीक है लाइए। परी आप क्या कर रहे हो? अभी आपका खेल खत्म नहीं हुआ? नहीं। अरे वाह, अभी तो आप ठीक हुए और अभी अभी शरबत बनाने लगे, दिखाइए तो। अरे वाह, क्या क्या डाले हैं? मैं डाला इसमें नींबू जूस, नींबू, चीनी, नमक, काला मसाला। ठीक है ठीक, अपने लिए नहीं बनाए? नहीं। क्यों? अभी बना रहा हूँ। अच्छा, अपना भी लेकर आइए। अच्छा, अपने लिए भी बनाए, दिखाइए। आराम से गिर रहा है। आप छोटे बच्चे हो? ले लीजिए परी, आप अपना ले लीजिए। चेस लीजिए। भैया को थैंक यू बोलिए। देखिए भैया आपके लिए क्या बनाए। थैंक यू भैया, बना के दीजिए। अच्छा है, भैया को थैंक यू बोलिए। थैंक यू, मैंने सर्ट कभी पिया है नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, क्या बनाई हो बेटा? क्या? इंडिया। ट्रेन बनाए हो? नहीं, इंडिया। ऐसा इंडिया बनता है? कितना प्यार से सारे टॉयज को क्या बनाए, क्या रहे, पर बहुत क्यूट लग रहा है। ठीक है खेलो। जो, 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 हाँ तो वही तो बोले था आप। ठीक है ठीक है, खेलो खेलो, ऐसे ही आप हमेशा रहो, ठीक है? आप लोग ऐसे ही अच्छे लगते हो। चलिए ठीक है, खेलिए। चलिए अब हम लोग तो कुछ खा पी के सोने आ गए। आजकल मेरे साथ सब कुछ मतलब हर चीज खराब ही हो रहा है, उल्टा सीधा हो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है, पर कब तक होगा ये भी पता नहीं है। आप सोने गए थे ना? जाओ सो जाओ, जाओ सो जाओ, जाओ जाओ सो जाओ। अब ये देखिए मेरा बेटा आ गया है मेरे पास सोने पर ही, तो मतलब हॉल में सो रही है स्मॉल बेड पे। अभी थोड़ा इन लोगों को अलग अलग ही सुला रही हूँ, तभी वो गई सोने और हम दोनों सो रहे हैं। उठेंगे तब तक इनके पापा भी आ जाएंगे, तब देखेंगे क्या कर रहे क्या नहीं। बाकी सब खाना वाना काम तो अब उसी टाइम होगा। वो भी मतलब आज कुछ खा पी के गए नहीं है, तो आएंगे तो भी मतलब बनाएंगे सबके लिए, है तब तक सोया जाए, है ना? डर क्यों खाए जाए, लिया ही ना। हाँ अभी खा लिए ना, तभी सोया जाए। चलिए अब लोग सोते हैं। मतलब जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो होता ही रहता है, मतलब मेरे साथ तो ऐसा ही है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, समझ में नहीं आता है कभी कुछ मतलब अच्छा कब होगा, मतलब हमेशा उल्टा सीधा कुछ ना कुछ हो रहा है, मैं क्या करूं। खाना कैसा था परी? अच्छा। मतलब अभी हम लोग 4 बजे खाना खाए, मतलब क्या 3:30 में, मतलब एक मेरी फ्रेंड थी वो आई अपने चाबी देने, तब याद आया अरे उनसे ही मैं सिलेंडर चेंज करवा लेती हूँ, तो उन्होंने चेंज कर दी, तब वो गई, तो उसके बाद हम लोग खाना बनाए, तब तक ये पढ़ रहे थे दोनों, तभी मतलब खाना हो भी गया, खा भी लिया, और ये आके बैठ के पढ़ाई कर रही है। बाबू अभी बैठ के खाना खा रहे,
चलिए तो पढ़ाई कीजिए। अब नहीं मन लग रहा है इनको, अब इनको मन नहीं कर रहा है पढ़ने को। नहीं पढ़ाई कीजिए। चलिए इनके पापा के लिए तो रख दी हूँ, अब जो बर्तन है वो साफ कर लेती हूँ। नहीं बहुत करना है, क्यों ऐसे ही करते हैं लोग, इनका चलता रहता है। तब तक मैं चलती हूँ काम निपटा लेती हूँ। नहीं आप पढ़ाई कीजिए, अगर छोड़ के गई तो ये लोग मतलब पढ़ाई ही नहीं करेंगे, तो अभी इनके पास ही बैठना पड़ेगा, बाद में काम करूँगी ताकि इनको होमवर्क हो जाए। नहीं खाने के बाद थोड़ा हो ही जाता है, खाना खाने के बाद ऐसे लग रहा है कि अब सो जाए परी है ना। लेकिन थोड़ा सा तो करना पड़ेगा बच्चा, नहीं करना है अब इनको कराओ, नहीं तो ये ऐसे शुरू करेगी। चलिए आज के ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, अभी बच्चे लोग को ट्यूशन लेके जा रही हूँ। तो हम लोग क्या खाना वाना खा के सो गए थे है ना, तो ये बाद में उठे होमवर्क करने लगे, बाद में मैं भी बिजी हो गई। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अभी के लिए बाय बाय।